ध्रुव भी आ ही गया। आ गया, क्या हाल है ध्रुव? व्हाट्स अप? व्हाट्स अप ओसी बोसी? शुरू करते हैं पहला एपिसोड। सही बात है। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा ये लगेगा, टेक लगेगा, पता चला। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ बॉस, पहला है तू हमारा गेस्ट अभी पॉडकास्ट का। इट्स इज हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मणिपाल पॉडकास्ट, और ये हमारा पहला एपिसोड है विथ वन एंड ओनली, जिसको सब जानते हैं कॉलेज में, मिस्टर रौनक बोस। तालियां। हेलो रौनक, जो कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, 2014-17 बैच। हमारे साथ एक और है जो मेरे साथ होस्ट करेंगे वन एंड ओनली द खन्ना बॉयज, ध्रुव खन्ना। तो मेरे को याद है मैं कॉमन रूम में बैठा था, ठीक है, शायद मेरे को लगता है एक महीना हो चुका था कॉलेज का, और रौनक बोस वहां पे खड़े थे एंड कुछ लोग बैठे हुए थे वहां पे, एंड मेरे कुछ कुछ दोस्त भी बैठे थे वहां पे, लाइक काला, ऋषभ, प्रियंकर, लोग बैठे हुए थे। तो मेरे को पता चला कि वो कलामंच की मीटिंग हो रही है एंड लोग स्ट्रीट प्ले करने वाले हैं, नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को ये पता चला, देन बोस जस्ट लुक्ड एट मी फॉर अ सेकंड, ठीक है, बोस मेरे को एक सेकंड के लिए देखता है, मैं भी बोस को एक सेकंड के लिए देख रहा हूँ, हम लोग दोनों में आई कॉन्टेक्ट हुई है, एंड उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि श्रीवास्तव तू नुक्कड़ नाटक नहीं करता है क्या? मैंने बोला नहीं यार, मैंने कभी किया नहीं है भाई। बोला अरे चिल, तू इन्होंने कभी नहीं किया है, तू भी आ ट्राई कर, एंड आई गेव इट अ थॉट कि चल ठीक है ट्राई करते हैं, बिकॉज फैसिनेटिंग तो था। तो गए एंड किया, पहला स्टेप पे बहुत ही खराब किया, बट आगे बढ़ते गए एंड आज इस मोमेंट पे मेरे को कलामंच ने और मेरे को रौनक बोस ने बहुत हेल्प किया है लाइफ को सुधारने में, अपने आप को सुधारने में। तो बिग थैंक यू टू रौनक बोस। अरे भाई, मतलब हाँ, थैंक यू सो मच। और बताओ बोस भाई, क्या चल रहा है लाइफ, कैसे चल रही है क्वारंटाइन लाइफ? लॉकडाउन में जिंदगी कट रही है, और गाड़ी चलाना आता नहीं है, और अगर आता भी था तो भी व्हीकल तो है नहीं, और ऊबर की आदत जो है मजबूर छोड़नी पड़ी है। तो जिस वजह से और मतलब कुछ डिलीवरी एप्स है जो डिलीवर करते हैं चीजें, बट वो भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। तो मतलब खाना बनाना शुरू किया है वापस से एक्सचेंज के बाद, प्रोग्राम के बाद। अच्छा। पहली बार जिंदगी में वापस से चिकन करी बनाया मैंने 6 दिन, बिकॉज वही आता था। यहाँ पे चिकन नहीं मिल रही है मुझे, फेक न्यूज है। हाँ, I know, like, कई जगहों पे ऐसे लाइक दिस फेक न्यूज स्प्रेडिंग की चिकन से भी फैलता है और समथिंग। एनीवेज, और मतलब तो जितना तो वही वैसे ही चला रहे। सुपरमार्केट गए थे बीच में, एकदम ऐसा लग अपोकलिप्स नाउ के सेट पे आ गए। मतलब रोड्स वेल लाइक एम्प्टी एज़ फक डूड। मतलब ऑनेस्टली मैंने इस देश में कभी ऐसा देखा नहीं है यार। एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि हम इतने अच्छे से फॉलो करेंगे ये लॉकडाउन। ऑल्दो काफी जगहों पे नहीं कर रहे हैं हम, जो कि वो तो यार हर कुछ ना कुछ लोग है जो हमेशा रूल्स को तोड़ने की ही बात करते हैं, वही करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे जगहों पे है और मतलब एक मतलब आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन तो इस बार बखूबी गवर्नमेंट ने निभाया है मेरे ख्याल से। तो आई एम नॉट समवन हु इज वेरी आइडियोलॉजिकली यू नो अप विद द गवर्नमेंट एंड विद द गवर्नमेंट ऑन एवरीथिंग दैट इट डज, बट लेट्स जस्ट से कि इस बार मतलब काम अच्छी हुई है, या फिर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक अगर हम एक पाई चार्ट एक ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ काफी देशों से अच्छा है, और उस तरीके से, और एंड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि 1.3 बिलियन है यार हमारा, तो और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वी हैड टू डू बेटर देन अदर्स बिकॉज़ हमारे पास ऐसी महामारी हम लोगों ने पहले नहीं देखी, और वही शायद आज जब हम लोग न्यूज देखते हैं
या जब व्हाट्सएप देखते हैं या कुछ सोशल मीडिया कोई और देखते हैं, तो सिर्फ कोरोना वायरस चल रहा है सही बात है। सिर्फ इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो यार अपने लोगों के लिए, जो मणिपाल के लोग सही हैं बात है, उनके लिए कुछ अलग करते हैं। तो जब मणिपाल पॉडकास्ट ला रहा हूँ मैं और ध्रुव इट्स एक्चुअली खन्ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ एक्चुअली तो इसीलिए अभी मैं जस्ट बात कर रहा था मणिपाल के फर्स्ट डे के बारे, ठीक है, कि कैसा होता है मणिपाल का फर्स्ट डे, कैसा फील होता है जब पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, या फिर जब टैक्सी वाले उल्लू बनाते हैं, ठीक है, या फिर फूड कोर्ट से 18 ब्लॉक के लिए ऑटो लेना पड़ता था 17 ब्लॉक के लिए, फर्स्ट डे ऑफ मणिपाल कैसा होता है। तो भाई मैं तेरे से और पूछना चाहता पसीना हे हूँ। अरे रे पसीना, हाय और मेरे गर्मी, मेरी कुछ हाय गर्मी है। सॉरी यार, बहुत गंदा रेफरेंस था, बट जो भी मेरे दिमाग में और कुछ आया नहीं। मैं नहीं है ध्रुव, और आपसे पूछना चाह रहा था कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन मणिपाल। मेरा फर्स्ट डे, इट सीम्स लाइक लाइक अ लाइफ टाइम अगो डूड। लाइक मेरा फर्स्ट डे, पता नहीं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मुझे याद है। मैं इनफैक्ट मैं मुझे याद नहीं मैं कॉलेज में कभी एक्साइटेड होना बंद हुआ। तो काफी मतलब जोश में था, मतलब एज यूजुअल, मतलब आई थिंक मैं काफी बार शेयर कर चुका ये स्टोरीज, तो आई थिंक सब पक चुके सुन सुन के, बट काफी जोश में था मैं, मतलब कि सत्ताएं बदल देंगे पहन। तो वो थोड़ा दिमाग में चल रहा था, तो वैसे मस्त अपन अपने मेरे 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 पापा मेरे पापा ध्रुव खन्ना तो हमारे सीनियर थे मेरे, और ध्रुव और मैं रांची से एक दूसरे को जानते थे, तो मेरे पापा ध्रुव से मिले। हाँ अविराज, हेलो। हेलो हाँ अविराज, अविराज कहाँ गया? अरे ऐसे मिले, ऐसे मिले। रुक जा बोसी, हाँ रिकनेक्ट मिले। करना होगा, ठीक है? हाँ अभी हाँ मैं कोई नहीं कोई डिस्कनेक्ट नहीं। कर रहा हूँ, हाँ हाँ रिकनेक्ट कोई कोई, करते हैं ठीक है बाबा, ठीक है। ठीक है हाँ भाई? चल चल चल, चल चल, सॉरी भाई वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। वेरी मैं बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि ध्रुव खन्ना को पापा ने देखा, एंड जिस डेडिकेशन से ध्रुव खन्ना पिक्चर्स ले रहा था ना, पापा वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। लाइक वाह यार, कुछ ऐसा करना कि थोड़ा नाम हो। और ध्रुव तो मतलब दिख रहा था पाप ध्रुव के चेहरे पे, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, पापा के लिए बहुत ही अलग स्टोरी था मेरे को मणिपाल छोड़ना आफ्टर इंजीनियरिंग वाला बुलशिट। True, true, true. हाँ तेरा योर स्टिंट इन किट्स, राइट, उड़ीसा में। हाँ 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 सबकी तो कहानी थोड़ी सिमिलर ही है यार, मेरा भी तो 1 साल वेस्ट हुआ था व्हाइल आई वाज हाँ इसीलिए यू नो साइंस से जब स्विच इसीलिए किया था आर्ट्स में। सेम सेम। खन्ना तेरे बारे में कुछ बोलो, कुछ फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। मैं मम्मी के साथ रुका हुआ था, मेरे को याद है, हॉस्टल्स में। वहाँ पे 2 दिन मम्मी रुकी हुई थी मेरे साथ, तो तब तक काफी चलता भाई, मैं अभी तक अपना हॉस्टल शिफ्ट नहीं हुआ था, गेस्ट वाले हॉस्टल में रुके हुए थे हम लोग। और नाम नहीं याद है मेरे को यार उन हॉस्टल्स का क्या था, एसी से राइट जाके हॉस्टल्स आते थे जो गेस्ट वाले, है ना? मुझे भी याद है लेकिन नाम ही नहीं याद आ रहा। तो फिर 2 दिन बाद फिर मम्मी गई छोड़ गया, फिर असली मणिपाल चालू हुआ भाई जिस दिन मैं फिर हॉस्टल में घुसा था, वहां से जर्नी चालू हुई थी मेरे भाई। पापा तो बहुत खुश हो गए, ठीक है, मतलब हम लोग केसी से 18 ब्लॉक जब जा रहे थे ना, मेरे पापा बहुत खुश हो गए कि चलो दिल्ली से ऐसे पैदल जाना पड़ेगा, पूरे हिल चढ़ने पड़ेंगे, तो मेरा वेट कम हो गया। मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे, चलो अच्छा है। और मैं मन ही मन सोचा था कि यार किट अच्छा था यार, छोड़ो क्या आ गया यार, इतना चलना पड़ेगा। तो मेरी हिम्मत खराब हो गई थी फर्स्ट डे। तो चलिए चलते हैं दूसरे राउंड में। तो भाई रौनक, कभी भी तेरे मणिपाल लाइफ में कोई एक ऐसा प्लेस जिसे तू बहुत ही कनेक्टेड है, कोई एक ऐसी स्टोरी है उसी प्लेस के साथ में, तो कुछ शेयर कर। मणिपाल में, लाइक मणिपाल के आसपास या फिर लाइक मणिपाल कॉलेज कैंपस, यू मीन लाइक नहीं, मणिपाल मणिपाल के आसपास। इफ देयर इज अ स्पेशल प्लेस और अ पॉइंट, आई थिंक अगेन इट्स क्वाइट, आई डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। इट्स द लाइब्रेरी के सामने वाला जो ग्रास का जो ग्राउंड है, ओहो वो और कैफेटेरिया के हमारे जो छोटे से कैंटीन के बाजू में जो एक
कॉमन छत टाइप का कॉमन रूम जो हमारा जो था, रूम। वो टाइल्स लगा, ब्रिक के टाइल्स लगा हुआ, मैंगलोर से लाए हुए, मेरे को स्टिल याद है, इसमें मैंगलोर लिखा रहता था। एंड इट्स वन ऑफ द लास्ट ब्रिक टाइल फैक्ट्रीज इनफैक्ट। तो ये दो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। I'm still very connected to कि them. जो मैं बता देता हूँ कि लाइब्रेरी के सामने वाला पार्ट जो बोल रहे हैं रौनक बोस, वो MIC ग्रीन्स, जो शायद हाँ मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और ध्रुव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। हम लोग हाँ तीनों भाई के सही लाइफ में वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट रही है। बात। प्रैक्टिसेस रौनक, होते थे स्ट्रीट प्ले के हमारे वहां पे हाँ मेरे को हाँ लगता है, तीनों की मुझे लगता है वो लाइब्रेरी और वो जो फील्ड है, मतलब वो जो ग्रास हाँ का हाँ जो हमारा जो MIC ग्रीन्स है, आई थिंक वो दोनों जगह मिला के हमारे मतलब जिधर भी हम पहुंचे हैं आज, मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एटलीस्ट आई थिंक हम तीनों का, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, है बहुत ना। ज्यादा बहुत ज्यादा। MIC ग्रीन्स ने तो मतलब मेरे को एक, जैसे ध्रुव खन्ना और रौनक बोस दोनों जानते हैं कि मैं कितना अंडर कॉन्फिडेंट था, बोस जानते ही हो, तो मतलब MIC ग्रीन्स ने वो चेंज कर दिया मेरा कि लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे रहना है। वो सही बात है, सही बात है। शायद MIC ग्रीन्स ने ही चेंज किया है। आई थिंक ये कला चीज मन इन इन इटसेल्फ आई थिंक काफी लाइक कला बड़ा मन, रोल अच्छा, प्ले किया हमारे लाइफ में, स्पेशली फॉर नो स्पेशली डाउट। फॉर। आई हाँ थिंक आई फील कला मन डेफिनेटली हैज बीन, ऑल्दो आज मैं सोचता हूँ कि कभी कभी आज आज जब मैं सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि बिकॉज देख थिएटर से एटलीस्ट मेरा कनेक्ट तो काफी, आई स्टिल आई एम एक्टिव थोड़ा सा हैदराबाद सर्किट, इन द सेंस कि मैं देखने जाता हूँ प्लेस, बट परफॉर्म करना तो जैसे मैंने गुलाब के एंड में बोला था कि ये शायद से मेरा पहला और आखिरी लाइक प्ले है, नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, बट शायद मैंने ये फ्यूचर खुद के दिमाग में प्रोजेक्ट किया था कि वो नहीं हो पाएगा। तो अभी तो खैर उस दुनिया से मतलब काफी हट चुका कट हूँ, ऑफ हो और चुका है। मतलब मैं कम से कम ध्रुव लाइक आई एम श्योर इज स्टिल इन द फिल्म सर्किट, एंड तो वही, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज अभी इस वक्त अगर कोई मुझे बोले कि मैं अगर मणिपाल वापस जाऊं तो क्या मैं वही सारी चीजें करूंगा जो मैंने की, मतलब इन द सेंस कि वो सारे क्लब्स, वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे, हाँ क्या मैं डिफरेंट चॉइसेस करूंगा, लाइक वुड आई मेक डिफरेंट चॉइसेस, और लाइक वुड आई स्टिक ऑन टू द सेम, आई डोंट थिंक आई वुड स्टिक ऑन टू द सेम वंस, शायद पता नहीं। सच में तो वही है, मतलब कलामंच ने हमारी लाइफ थोड़ी चेंज तो करी, नो डाउट ऑफ दैट, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब यही था। और कैंटीन जो कॉमन एरिया है वहां पे हमारी स्क्रिप्टिंग चलती थी, हमारा पता नहीं नाश्ता भी मैंने होते कितने रहता था, असाइनमेंट्स किए वहां पे बैठ के, असाइनमेंट किए हम लोगों ने, असाइनमेंट मैंने ने इनफैक्ट गुलाब काफी ज्यादा वहां पे बैठ के लिखा है, गुलाब की लाइनें काफी वहां पे बैठ के लिखी है, जब हम छुप छुप के स्प्राइट के बॉटल में रसना हाँ बस बस मिलाया करते थे, बस रसना हाँ रसना रसना और एनीवेज तो काफी सारे बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई है उस जगह से। बहुत बहुत प्यारी यार। हाँ तो ये राउंड तो काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब कॉमन एरिया हमारा कॉलेज का, MIC ग्रीन्स, दोनों ही हम लोग तीनों के लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं। आई सही बात एम श्योर अगर लोग सुन रहे हैं तो उनके फेस पे एक थोड़ी सी स्माइल तो आई गई होगी ये दोनों जगह का नाम सुन के, और मेमोरीज फ्लैशबैक चल रही होंगी उनके ब्रेन्स में। तो चलिए फिर थर्ड राउंड में बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर और कॉलेज के लास्ट ईयर में हम लोग में बहुत चेंजेस आया था, ठीक है, मेरे में काफी चेंजेस आया है, ध्रुव में काफी चेंजेस रहा है, बाकी सब में चेंजेस हुए हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। भाई तू कैसा था फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर में, लाइक देख मैं फर्स्ट ईयर में कैसा था, मैं आज दिस रियली लाइक ओ इंस्पायर्ड किड हु हैड जस्ट लैंडेड इन मणिपाल, मतलब बैंगलोर से, मतलब माँ बाप का ऐसे इकलौता बेटा, ऐसे काफी लाड प्यार से बड़ा किया हुआ, काफी शेल्टर्ड, और सडनली एक कल्चर शॉक सा था। तो आई थिंक धीरे धीरे अकेले रहते रहते जो जो चीज़ों से इंसान गुजरता है, कैसे हम धीरे धीरे दुनिया को समझते हैं, लोगों से मिलते हैं,
अच्छे बुरे सही गलत हर तरह के लोग, और आई फील मतलब ये सभी एक्सपीरियंसेस हमें कहीं ना कहीं शेप करते हैं. तो ट्रू सो आई डोंट थिंक लाइक नाउ लुकिंग बैक आई डोंट थिंक मतलब आई माइट हैव नॉट डन अ कपल ऑफ थिंग्स, मैं शायद कुछ अलग रास्ते लेता, बट मतलब मैं खासकर कुछ बहुत ज्यादा रिग्रेट शायद नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि उन सब चीजों का एक मिश्रण ने मुझे आज बनाया है वो जो मैं आज हूँ. और कम से कम अभी तक मुझे लगता है कि मतलब मैंने मैंने कम से कम जिंदगी में हर चीज को एक सीख की तरह ली है. प्लस क्या होता है ना कि वो जो एज है हमारा, एज जो होते हैं जिस कॉलेज में थे हम लोग जब, हाँ और जो एज थी हमारी वो एक्सपीरियंस करने वाली एज थी, मतलब सही लोगों चीजों को गैदर करने वाली एज थी, मतलब ये भी करे वो भी करे, सही ये नहीं करते चल छोड़ यार, वो भी करते हैं चल, और एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और कहीं एक जगह हम बहुत ही अच्छे चले गए कहीं एक जगह बहुत ही खराब हुए, तो समझ में आया कि ठीक है ये मेरे सर्किट के बाहर का चीज है, या ये इसमें मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, बट हाँ इसमें शायद मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं इसी पे आगे काम कर सकता हूँ। सही बात. पर हाँ वही आई तो थिंक बेस्ट चीज है कॉलेज की, कि आपके सामने है, आप इतने सारे कल्चर्स के साथ एक्सपोज हो रहे हो, और आप क्या ऑप्शन रहते हैं कि आप ये नहीं तो वो ट्राई कर सकते हो, वो नहीं तो चौथी चीज ट्राई कर हाँ सकते हो, तो यू हैव हाँ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक स्पेशली बहुत सारे ऑप्शन. जैसे बात मैं रौनक बोस को जैसे को। जानता हूँ, जैसे मैं बोस के जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन जब हुआ तो ये येल में भी था जो हमारा डिबेटिंग सोसाइटी क्लब था, ये कलामंच में भी था जो एक्टिंग क्लब था, ये पौर में भी था, तो मतलब ये सब में था. एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि भाई एक जगह पे नहीं रहना है, यू हैव टू गो टू 3 to 4 different places एंड मेक योर नेम एंड ट्राई टू मेक योर नेम. या ठीक है तो देख यार वो कर रहा था अभिराज, मैं एट दिस पॉइंट में एक चीज बोलना चाहूंगा. देख मैं फर्स्ट ईयर में मैंने काफी चीजें ज्वाइन की थी, ठीक है ना, हाँ हाँ बट हाँ बाय द टाइम मैं फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, आई न्यू व्हाट माय चॉइसेस वर एंड लाइक आई वुड रियली नॉट गिव माय सेल्फ एनी क्रेडिट फॉर पॉड, बिकॉज आई आई डोंट थिंक मैंने मैंने कुछ भी किया पॉड में. एंड एंड द रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग दिस आउट इज बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल who did who genuinely like did a lot of good things. I've seen these guys wake up at 3-4 in the morning going out there painting videographing. We all know like from True, true. Clifford se leke you know Bhuma Meghna se leke, I mean the whole Yeah, college knows. I mean to yeah. mai kabhi bhi mera involvement pod mein kabhi nahi tha, but ha Kalamanch ho ya the Manipal Journal ho ya film festival ho या फिर जो एक फिल्म क्लब टाइप हमने छोटा सा चालू किया था जिसमें कभी कभी जस्ता की बंद ना हो जाए मैंने खुद अकेले बैठ के भी मूवीज देखी है. बाद में ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं शारिक के मदद के साथ हम लोग ने वापस उसको थर्ड ईयर में चालू किया था, यू नो. सो धीरे धीरे हम सबके सिमिलैरिटीज, हम सबके एक्सपीरियंसेस और सबका एक ये लेके हम लोग आई थिंक बाय द थर्ड ईयर सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि हम कौन से जीन पूल ऑफ यू नो मीडिया रेल में जाने वाले हैं, मतलब. और कई लोगों का काफी ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, क्योंकि मेको याद है मेको पत्रकार बनना था. सबको याद है मैंने मेरे वेशभूषा में कैसे वो झलकता था एक जमाने में, जबकि आज कुर्ता हाँ जब झोला 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 कुर्ता और हाँ झोला हाँ एज गांधी यूज टू से कि बस सर पे चमेली का तेल लगाना बाकी है बोस बंगाली लगा पत्रकार बनने के लिए. बट एनीवेज वो स्ट्रीम नहीं हुआ, थिएटर में जाना नहीं नहीं ये तो हुआ. बात है, मतलब मैं भी जब आया था मणिपाल तो मेरे अंदर था कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता था, तो वो तो खैर हो ही नहीं पाया, बट हाँ मैंने एक्टिंग करी फिल्म करी तो वो सब मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ मेरे को शायद फिल्म लाइन में जाना बेटर होएगा, तो लाइन तो चेंज होती है लोगों सही की, बात. और लाइन तो यू चेंज नेवर होती नो, है। मतलब बिकॉज अभी भी लोग पीपल लाइक प्रज्वल, अभी भी मतलब जब मैं इनसे मिलता हूँ हैदराबाद में, कुछ मेरे सीनियर्स है जिनसे मिलता हूँ, यहाँ जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस्मानिया में पढ़ रहे हैं शायद, इनसे जब भी मिलता हूँ, पुराने सीनियर्स से मिलता हूँ, ये एक ही बात बोलते कि यार तू कैसे जो टैग मैंने किसी जमाने में खुद को ही बोला था कैपिटलिज्म की रंडी कैसे वो बन गया. तो मतलब मैं बोलता हूँ कि यार मतलब
चीजें बदलती है, सिनेरियोस बदलते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव बदलता है, एंड यू नेवर नो, लाइक यू नेवर नो वेयर अ पर्सन एंड्स अप, लाइक यू नो व्हेन ही इज फाइनली, यू नेवर नो. बिकॉज जैसे मैंने मनी पोलाइट्स में एक चीज देखा है कि अ लॉट ऑफ अस टेंड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट इवन विद आवर इवन विद आवर जॉब प्रेफरेंसेस, यू नो वी ट्राई टू फर्स्ट डेल्व इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड देन पिक अप एक्सपीरियंसेस बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड देन maybe latch on to something that is completely different. At least मैंने मेरे seniors में तो ये देखा है, you know, and that seems like a nice way to go ahead as well. So और देख यार, मेरे पापा एक चीज बोलते थे, मैं तो नास्तिक हूँ, मेरे पापा एक चीज बोलते थे कि man proposes, God disposes, ठीक है. तो while मैं God वाला portion तो नहीं ले सकता, I would say external forces do that as well. तो plan हम एक शायद करते थे या फिर हमारा शायद कुछ plan था भी, बट जरूरी नहीं है कि वो प्लान हमेशा ट्रांसफर हो जाए, है ना. तो एंड आई थिंक कॉलेज के बाद आप इतने बड़े वर्ल्ड में आ रहे हो, एक अलग ही दुनिया रहती है exactly, कॉलेज के स्पेशली बाद में, जो आप एक्सपेक्ट काफी चीजें नहीं करते हो. सही बात है, वो कॉलेज का बबल हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है अविराज, एंड लाइक टू बी ऑनेस्टली लाइक जब मैं कॉलेज से निकला, जब मैं यूरोप गया एक्सचेंज के लिए, जब मैं इधर आया वापस, जब मैं नौकरी करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे हैं, यू नो, और लाइफ क्या है, और लाइफ क्या है, मतलब पता नहीं यार, मतलब ऑनेस्टली मैं ये चीज तो मुझे भी समझ में आया. हाँ ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं अपना कॉलेज के बाद अपने वापस अपने घर आया और मेरे फादर का बिजनेस है, तो मैं उन्हें हेल्प करने लगा अपने इस बिजनेस में. तब मुझे समझ में आया कि मेरे फादर पिछले शायद 35 साल से क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे झेल रहे हैं एक प्रॉब्लम को तो दूसरे प्रॉब्लम को तीसरे प्रॉब्लम को एक साथ. तब मुझे समझ में आया कि लाइफ क्या है, लाइफ आफ्टर मणिपाल क्या है और कैसी होने वाली है, ये मुझे तब समझ में आया. तो फर्स्ट पॉडकास्ट यहाँ खत्म होता है. आई हैड ग्रेट टाइम टॉकिंग टू बोस एंड सो डस खन्ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप बोस तेरे को पसंद आया हो. मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, इट वाज रियली रियली स्वीट एंड अ रियली नाइस एफर्ट फ्रॉम यू गाइस to you know keep this connect going between all of us. it's really good. thanks guys. thank you for yaade purani yaade taza kar tum log wahi kaam hai bhai wahi kaam hai bhai wahi agar manipal ke logo ko purani yaade taza ho gayi na mera podcast successful bas mere ko bahut acha laga yaar. it was really really sweet and a really nice effort from you guys to you know keep this connect going between all of us. it's really great. thanks guys. thank you for yaade पुरानी यादें ताजा कर दी तुम लोगों ने. वही काम है भाई, वही काम है भाई, वही काम है. अगर अगर मणिपाल के लोगों को पुरानी यादें ताजा हो गई ना, मेरा पॉडकास्ट सक्सेसफुल. बस बस मेरे लिए तो हो गया. चलो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक्स गाइस, थैंक्स. चलो चलो, बाय बाय.